हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मकर संक्रांति का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की पढ़ाई में। मैं प्राण सर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल प्राण ट्यूशन सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे मानव हृदय में रुधिर परिसंचरण। तो इसमें मानव हृदय का एक फिगर हमने बना रखा है आज। इसमें पहले देखते हैं कि ये वाला हिस्सा जो कहलाता है महाधमनी है, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये फुफ्फुस धमनियां है, ये वाला फुफ्फुस शिराएं है, यहाँ पे ये बाया लिंद है, बाया निलय है, इधर वाला दाया निलय, ये वाला हिस्सा दाया लिंद और महाशिरा। हम लोगों का हृदय जो होता है ये चार कोष्ठकों में बटा होता है। चार कोष्ठक मतलब हो गया, एक होता है बाया लिंद, दूसरा होता है बाया निलय, तीसरा होता है दाया निलय और चौथा होता है दाया अलिंद। या इसको नंबरिंग कर सकते हैं, इसको तीसरा नंबर में और इसको चौथा नंबर में। तो इस प्रकार से हम लोगों का चार कोष्ठक होते हैं। तो हृदय के कितने होते हैं? चार कोष्ठक होते हैं। हमारा हृदय चार कोष्ठक का बना होता है और इसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र होती है। दोहरी परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र होती है। मतलब ये हुआ कि दोहरी का मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे शरीर में दो बार रक्त का आना और उसका शुद्ध होकर बाहर निकलना होता है। कैसे होता है उसको इस फिगर से समझते हैं। ये यहाँ हो गया ये फेफड़ा। इस फेफड़े की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। ऑक्सीजन को जब अंदर लेते हैं तो ये फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन में रक्त में मिलके ये फुफ्फुस शिरा जिसको महाधमनी बोलते हैं, रक्त में मिलकर ये हृदय के पास आएगा। और ये जो रक्त जो लेके आ रहा है वह कैसा रक्त होगा, डी ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है ये। मतलब ये शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है गैसों की। ये क्या होता है कि पहले चेम्बर में क्या होता है कि ये पहले कोष्ठक में यानी बाया अलिंद में ये डी ऑक्सीजनेट रुधिर आएगा, रुधिर आता है। और ये डी ऑक्सीजनेटेड क्या रुधिर को बाया अलिंद क्या करता है, यहाँ पे इसको फिल्टर करता है, रुधिर को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के अलावा और कोई भी गैस को ऑक्सीजन रक्त मिली हुई जो रक्त होती है ऑक्सीजनित कृत रक्त को ही, रुधिर को ही वो बाया निलय में जाने देता है। और यहाँ पे इस तरह से एक वाल लगा रहता है। ये वाल क्या करता है, जैसे नीचे की ओर शुद्ध रक्त आएगा ऑक्सीजनित, ये वाल क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, जिससे ये जो शुद्ध रक्त है इसमें अशुद्धियां न मिल जाए। तो ये उसके बाद ये चला आता है किसमें, बाया अलिंद से ये शुद्ध रक्त चला आता है बाया निलय में। जब यहाँ पे बाया निलय पे आएगा शुद्ध रक्त, तो ये शुद्ध रक्त क्या होगा, महाधमनी के द्वारा ये ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर जो होता है ये अब हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाएगा। जहाँ पे शरीर की अंग का मतलब हो गया आँख, कान, नाक, गला, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, सभी जगह क्या होता है ये शरीर के शुद्ध रक्त वहाँ पे जाता है। और कल हमने देखा था कि कोशिका के अंदर में जब ये शुद्ध ऑक्सीजन जब जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, ये शुद्ध ऑक्सीजन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये शुद्ध जो रक्त जो था ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब शरीर के अंगों से निकल कर ये कहाँ चला जाएगा, ये निकलेगा और इसको महाशिरा डी ऑक्सीजनेटेड जो रुधिर जो है, मतलब ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कोशिका के एनर्जी प्राप्त मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, इस तरह की कोशिका सभी जगह पे है, हर शरीर के हर मुख्य भाग से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और शरीर के अंग क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को महाशिरा जो अब पहले जो ऑक्सीजनीकृत रुधिर था, अब शरीर के ऊर्जा बनने के बाद शुद्ध रक्त बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस महाशिरा यानी डी ऑक्सीजनीकृत रुधिर के द्वारा अब ये चला जाता है दाया अलिंद के पास। दाया अलिंद के बाद फिर ये क्या करता है,
जैसे बायां आलिम फिल्टर करता था, दायां आलिम कुछ नहीं करता है, ये बस स्टोर करेगा और उसके बाद इसको दायां निलय के पास भेज देता है और यहाँ भी एक वाल लगा रहता है ताकि जो लगातार जो है खून का जो डीऑक्सीजनेटेड जो रक्त आ रहा है वो लगातार क्या करे दायां आलिम के पास आए, यहाँ जमा है, नीचे के वाल को धक्का दे दे, फिर ये वाल बंद हो जाएगा, फिर दायां आलिम क्या होगा इस डीऑक्सीजनेटेड फुफ्फुस धमनी द्वारा फिर से फेफड़ा के पास आता है और ऑक्सीजन जो आया था ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे नाक के द्वारा फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये CO2 क्या होता है शरीर से बाहर निकल आता है। इस तरह से ये हमारे शरीर में पूरी तरह से ये लगातार चलते रहती है ये क्रियाएं। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये क्या हृदय क्या है एक पंप की तरह कार्य करता है। हमने इसके बारे में दो लाइन लिखा कि मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे जिस तरह बायां आलिम था यहाँ से क्या होता है बायां निलय के पास जाता है, बायां निलय शरीर की अंग के पास गया, ये कोशिका वाला माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया कार्य, इसी तरह से बाकी शरीर सभी अंगों के कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और इस प्रकार से ये पूरी श्रृंखला जो होती है पूरे लगातार ये चलते रहती है। तो ये रुधिर का परिसंचरण करती है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड रुधिर की, और जो ऑक्सीजनेटेड रुधिर बन जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर होता है, फिर से ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगा और ये फिर से फिल्टर करेगा बायां आलिम दायां आलिम और इस प्रकार से ये श्रृंखला लगातार होते रहते हैं। तो आलिम की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति क्या होती है मोटी होती है। मोटी क्यों होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। जैसे अब यहाँ पे जो हुआ ये बायां आलिम क्या हुआ था यहाँ पे रक्त को क्या हुआ शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद बायां निलय क्या करता है शरीर के पास काफी तीव्र गति से रक्त को शरीर के बाकी शरीर पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसीलिए रक्तचाप यहाँ की जो सिराए होती है वह मोटी होती है ताकि शरीर के प्रत्येक रक्त का जो प्रवाह होता है वह काफी तीव्र होती है जिससे वह सिराए फट न जाए, इसीलिए ये मोटी होती है। और ये वाली सिराए जो होती है सिरा ये पतली होती है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये रक्त की अशुद्धियां को लेके आती है ये, जिसके कारण ये पतली होती है और ये वाली प्रेशर के साथ भेजती है जिसके कारण ये मोटी होती है। हृदय में उपस्थित जो वाल्व जो है ये जो वाल्व यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी एक वाल्व है, तो ये वाल क्या करते हैं उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं रुधिर प्रवाह को। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये रक्त ये सिरा फुफ्फुस सिरा से यहाँ से अंदर आ रही है तो ये वाल यहाँ पे फिल्टर करने के बाद ये क्या होगा बंद हो जाएगा ताकि यहाँ जो रक्त जो शुद्ध रक्त है ये वापस इसके अंदर ना चले जाए उल्टी दिशा में, जिसके लिए ये क्या करता है प्रवाह को ये रोकता है और इस तरह से ये फुफ्फुस धमनियां फिर हमें क्या करती हैं ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। तो ये फिगर रहता है इसमें फुफ्फुस सिरा यहाँ से आए यहाँ से फिल्टर किया फिर ये फिल्टर शरीर को इसके द्वारा शरीर के बाहर शरीर के अंगों में पहुंचाता है, फिर ये क्या करता है ये देखिए थर्ड चैम्बर में आता है फिर फोर्थ में आता है, फिर इस तरह से ये पूरी श्रृंखला चलते रहती है। यही फिगर को हमने इस तरह से आसान तरीका से बनाया है ताकि समझ में आप लोगों को आ सके, क्योंकि ये फिल्टर ये जो हृदय होती है ये पिक्चर जो है बुक की है इसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसके द्वारा हम सारी श्रृंखलाओं को अच्छी तरह से शरीर में होने वाली क्रियाओं को समझ सकते हैं कि हमारा शरीर चार कोष्ठकों में बटा सॉरी हृदय चार कोष्ठकों में बटा हुआ है और ये दोहरी परिसंचरण है, मतलब दो बार हृदय में रक्त का आना, एक बार बायां आलिम के द्वारा रक्त में आता है फिर शरीर के द्वारा फिर वापस हृदय में आता है दायां आलिम में आता है, यानी दो बार जो रक्त होता है हमारे हृदय में आता है, इसीलिए इसको दोहरी परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। आई होप आपको ये पूरे मानव हृदय की जो रुधिर परिसंचरण है इसको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।